हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं कैंसर्स यानी कर्क राशि के लिए अगस्त 2021 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी जो सिंगल्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप सभी के लिए रीडिंग होगी। और बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए रीडिंग है। यहाँ मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। हम फर्स्ट टैरो डेक से कार्ड्स ले रहे हैं और देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं कैंसर्स। टैरो डेक से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ कप्स आपके लिए आया है। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लवर्स, वाओ, आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। और ओरेकल डेक से भी हम देख रहे हैं कि कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंडोर्समेंट, एम्ब्रोसमेंट, प्रिविलेज लेडी, कॉर्टशिप, वाओ, केयरिंग कनेक्शन, आपके लिए सभी कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ब्रोकन हार्ट, फेरीज की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। यूनिकॉर्न्स की तरफ से भी हम मैसेज देख रहे हैं। वन मोर कार्ड, ओके, ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। मैं इनको अरेंज कर देती हूँ, कार्ड्स को मैंने अरेंज कर लिया है और अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट हम सिंगल्स के लिए ही यहाँ बात करेंगे, तो जो सिंगल्स की लाइफ में आ सकते हैं स्पेशली इस मंथ में, या मैरिज प्रपोजल के थ्रू आ सकते हैं, या इन जनरल भी आपकी लाइफ में जो पर्सन आ सकते हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो जेमिनी काफी स्ट्रांग आए हैं, यानी मिथुन राशि के ये पर्सन हो आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। काफी लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है और नर्चरिंग है, ये काफी खूबसूरत इंसान है, रोमांटिक हो सकते हैं ये। और वहीं प्रिविलेज लेडी क्वालिटीज के होंगे, ये काफी खूबसूरत हैं, स्टाइलिश हैं, इनका स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं। और अगेन ये काफ़ी प्योरिटी रखते हैं, वाइट फ्लावर्स हैं इनके हेड में और स्टाइल सेंस इनका बहुत अच्छा हो सकता है। इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए। यहाँ मैं पर्सन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, एक तरफ जहाँ ये स्टाइलिश हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, और वहीं ये साथ में बहुत विजडम रखते हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, यानी बहुत अच्छा इनका कह सकते हैं ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और वहीं ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, यानी धार्मिक और आध्यात्मिक भी ये इंसान हो सकते हैं जो आपके लिए आएंगे इस मंथ में, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी ये आपके लिए आ सकते हैं। और ये काफ़ी समझदार इंसान होंगे और थोड़ा हो सकता है ये इंट्रोवर्ट हो, शुरू में बात करने में आपसे टाइम लें, इस तरह के पर्सन आपके लिए आ सकते हैं। और ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अगर हम राशि की बात करें तो ये हो सकते हैं वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि के हो सकते हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत हैं, स्टाइलिश हैं, पर अभी शायद ये अपनी लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि उनके पर्सन जो है वो काफ़ी स्टक हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको चल रहे हैं, और आप इनसे वर्क प्लेस पे मिलें इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप इनको कहीं वर्क के थ्रू मिलें या ये आप तक आएँ किसी काम की वजह से, ऐसा हो सकता है। आप लोग
का आप लोगों का वर्क प्लेस एक हो ये भी हो सकता है, और आप लोग साथ में स्कूल मेट कॉलेज में रहे हो ये भी आप लोगों के लिए लग रहा है। और इनकम के लिए पर्सन, कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है वो कैंसर स्क्रॉपियो पाइसिस हो सकते हैं, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के ये हो सकते हैं। और वही ये काफ़ी केयरिंग पर्सन होंगे। सिंगल्स के लिए ही फर्स्ट मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ये लोग जो आपके लिए आ सकते हैं, प्रपोजर आएगा या जो पर्सन आपके लिए आ सकते हैं इस मंथ में स्पेशली सिंगल्स के लिए, वो काफ़ी लविंग और केयरिंग दिख रहे हैं। और यहाँ फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इनके साथ आप काफ़ी खुशियाँ इंजॉय करेंगे लाइफ के। हो सकता है आपने काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज अभी देखा है कैंसर्स ने, जैसा एंडोर्समेंट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रक थे कुछ सिचुएशंस में, काफ़ी बंधावा महसूस कर रहे थे, कुछ चीज़ें आपने बहुत फेस की है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। चाहे आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में हैं, सभी लोगों ने बहुत स्ट्रगल फेस किया है कैंसर्स ने, पर आपके लिए अब लाइफ काफ़ी स्मूथ होने वाली है। आगे के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आप लोगों के लिए। और वहीं आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलें या सॉलमेट से मिलें, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज लग रही है, क्योंकि टू ऑफ कप्स कार्ड आया है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलें इस मंथ में, ऐसा आप लोगों के लिए हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इस बात की कंफर्मेशन हमें कार्ड्स के थ्रू मिल रही है। जैसा लवर्स भी आए हैं, हमारे पास कार्ड आया है लवर्स भी और टू ऑफ कप्स भी, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको काफ़ी समझने वाले हैं, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, काफ़ी मान सम्मान आपके लिए होगा उनके मन में, और कह सकते हैं कि एक डीप लव आपकी पर्सन आपके लिए काफ़ी डीप और इंटेंस लव फील करने वाले हैं इस मंथ में। और सिंगल्स के लिए भी ये होगा कि जो पर्सन आपको मिलेंगे वो काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं और काफ़ी डीप कनेक्शन होगा आप लोगों का। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी डीप और इंटेंस लव वाला मंथ रहेगा ये। काफ़ी लवी डवी मूवमेंट्स आप लोगों के बीच में आ सकते हैं और काफ़ी मिलना हो सकता है आप लोगों का। जैसा आप देख रहे हैं कॉर्डशिप है, आपके पर्सन आपसे काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं मिलना, मे बी काफ़ी बातें मुलाकातें आप लोगों की इस मंथ में हो सकती है। और अगर स्टक सिचुएशन रही है, जैसा आप लोगों के लिए कार्ड आया है, जैसा आप लोगों के लिए कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स, तो कुछ लोग अभी ब्रेकअप से गुजरे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या कुछ लोग अभी बात नहीं कर रहे जैसा हमें दिख रहा है फाइव ऑफ कप्स से। पर टू ऑफ कप्स यहाँ पीछे है और थ्री कप्स आप देख रहे हैं डाउन साइड में है, तो ये प्रॉब्लम्स जो आपने अभी फेस की है वो सिर्फ टेम्प्रेरी है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो थोड़े उतार चढ़ाव आपने देखे हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों का जैसा है कि आपके पर्सन आपसे शायद बात ही नहीं कर रहे या काफ़ी टाइम से आपका मिलना नहीं हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। जैसा आप लोगों के लिए कार्ड आया है ब्रोकन हार्ट, तो कुछ लोगों का भी ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, मे बी आप लोगों की सगाई टूटी हो सकती है, या आप लोगों अभी किसी शादी या सगाई टूटी हुई हो सकती है, या कुछ लोगों ने अभी सेपरेशन फेस किया है, ऐसा आप लोगों के लिए लग रहा है। बहुत पेन में हैं आप, काफ़ी परेशानी में हैं, और इसी वजह से यहाँ दोनों कार्ड्स इसी तरह की एनर्जी के आए हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है, कुछ लोगों की फाइट हुई है अपने पर्सन से और बात नहीं हो रही है, या कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो उसके लिए यह है कि इस मंथ में आप लोगों के बीच में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स रही हो उसके सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि कैरिंग कनेक्शन कार्ड आया है जो हमें बता रहा है कि आप बहुत जल्द ब्लेस रहेंगे। और काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्द सॉल्व हों इस मंथ में स्पेशली, और आपके पर्सन आप तक आएँ और काफ़ी बातें हो सकती है आपकी, फिर से रिकनेक्ट हों आप लोग, ऐसा भी यहाँ लग रहा है। क्योंकि लवर्स कार्ड आया है तो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं कि फिर से आप अपने पर्सन से कनेक्ट हों, और जो मैरिड कपल्स हैं या रिलेशनशिप में हैं उनका रिश्ता बहुत अच्छा और स्मूथ चलने वाला है, बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ेगा आपका रिश्ता, और काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं, रोमांटिक मोमेंट्स आपकी लाइफ में इस मंथ में आएंगे। और टू ऑफ कप्स कार्ड हमें बता रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रहेगा, काफ़ी खूबसूरती से आगे बढ़ेगा रिश्ता और सॉल लेवल पे ये कनेक्शन है आप लोगों का। और वहीं जो आपके ड्रीम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक पूरे होंगे, द ड्रीमर का कार्ड है। और जैसा यहाँ मैसेज भी है, एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन ए न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ, जो आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, आपके लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही है, और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इस बार बहुत कुछ करने वाले हैं और आपके कुछ ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। वहीं वर्तमान का कार्ड है, जो मैसेज है, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर अ कैरियर चेंज, फीलिंग चैलेंज्ड बाय मनी इश्यूज,
जी कैंसर्स, आपने आप में से काफ़ी लोगों ने अभी पैसे से संबंधित काफ़ी समस्याएं फेस की है, या कहें कि स्ट्रगलिंग फेस देखा है आपने, और वो फेस आपके लिए बहुत जल्द दूर होने वाला है। जैसा यूनिकॉर्न्स के मैसेज आए हैं और फेरीज की तरफ से भी मैसेज है, टू ऑफ समर्स कार्ड आया है हमारे पास, और जो मैसेज है फॉलिंग इन लव और मेकिंग ए सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। जी आप लोगों के लिए फेरीज यहाँ स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव रहे हों, कैसी भी परेशानी आप लोगों ने देखी हो, बहुत जल्द वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और आप लोग फिर से एक हो जाएंगे, चाहे कितना भी दिक्कत वाला आपका समय रहा हो। और ये मंथ आपको एक करने के लिए, या कहें कि इस रिश्ते को फिर से एक नई ग्रोथ देने के लिए बहुत बेस बनाएगा ये मंथ, और काफ़ी अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में इस मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। और जिनका कनेक्शन किसी वजह से जिन लोगों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, उन लोगों के लिए भी ये है कि आप लोग गिव अप मत कीजिए, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों के लिए टाइमिंग बहुत अच्छा आ रहा है, और यूनिकॉर्न्स भी इसी तरह का मैसेज लाए हैं आपके लिए। मैजिक की तरफ से मैसेज है, मैजिक का, देयर इज ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सेप्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। जी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा होगा कि सब चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, या कुछ मैजिकल टाइम आपके लिए आने वाला है, और यूनिकॉर्न्स बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए हैं। जैसा नेक्स्ट कार्ड भी आपके लिए है ओपनिंग का, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। जी आपके लिए कुछ रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और जो परेशानी आपके लिए है, चाहे वो फाइनेंसिस से रिलेटेड है या लव लाइफ से रिलेटेड है, बहुत सारे रास्ते आपको दिखेंगे या नए दरवाजे आप लोगों के लिए खुलेंगे, और कुछ सॉल्यूशंस भी आपकी दिक्कतों के आपको मिल जाएंगे इस मंथ में स्पेशली। और जजमेंट का कार्ड भी इसी बात को बता रहा है हमारे लिए, का कार्ड भी यही बात बता रहा है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, यूनिवर्स आपको न्याय देगा, और एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आए, अब आपको रीबर्थ जैसा लगेगा, यानी फिर से आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे, और ये सिचुएशन आपके लिए यूनिवर्स बहुत जल्द करेगा। और वहीं हम देख लेते हैं कि सिंगल्स के लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके जॉडिक साइन के होंगे, और उनके अल्फाबेट्स किस नाम से स्टार्ट होते होंगे, और इस तरफ से आपको क्या मैसेज है ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम उनका जॉडिक साइन देख लेते हैं, जो पर्सन आपको इस मंथ में अप्रोच करेंगे, स्कॉर्पियन हो सकते हैं ये, वृश्चिक राशि के हों, एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि के हों, और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, धनु राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं, और उनका नाम जिस नाम से अल्फाबेट से स्टार्ट होता होगा वो भी हम देख रहे हैं, यू नाम से उनका नाम स्टार्ट हो सकता है, और डी नाम से उनका नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टार्ट हो सकता है, वी नाम से भी उनका नाम स्टार्ट हो सकता है आपके पर्सन का, सी, और एक और लेंगे हम ई। ये उनके नाम के अल्फाबेट्स हैं, और वहीं आपके पर्सन की तरफ से हम मैसेज देख रहे हैं, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। जी आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। जी ये भी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, इट टुक मी मच टाइम टू रियलाइज दैट आई वॉज रॉन्ग। आपके पर्सन को ये कह रहे हैं कि उनको काफ़ी समय लगा ये समझने में कि वो बहुत गलत थे, शायद वो अब जान गए हैं, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हैं, और आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट यू। जी आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है कि वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, और यू मेक मी स्माइल वैन नो बडी कैन। जी आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं, ये भी आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। जी आपके पर्सन आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, और यही सब मैसेजेस थे आपके लिए, और यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।